जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ए रज बुआ, कौन है? कौन आ गया? अरे रज बुआ, मैं अंजलि। अरे आओ 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 बेटा। हाँ बस आपकी दुआ है और ऊपर वाले का। आज कहाँ से रास्ता भूल गई यहाँ का? आज कैसे बुआ को याद कर लिया तूने? अरे आने के लिए तो बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन जानती हो ना, जब घर में फंसता है तो इंसान निकल नहीं पाता है। अरे बस अब बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई है तो सोचते हैं जरा उसके भी हाथ हाथ पीले कर दे, अच्छा घर बार मिल जाए तो मैं भी उसकी जिम्मेदारी से मुक्ति पाऊँ, गंगा नहा लूँ। बस वही मैंने सोचा, आप तो सबके रिश्ते लगाती हो तो हमारी बिटिया को तो आप देखे है ना, तो बस वैसे ही उसके लिए अच्छा सा लड़का बताइएगा, बढ़िया सा, और हमारे लड़के के लिए लड़की भी बताइएगा। दोनों के लिए देख रहे हैं कि ये बहू आ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ना बिटिया की कमी नहीं महसूस होगी, या तो बिटिया चली जाएगी तो घर बड़ा खाली रहेगा, खाली सूने घर में मैं अकेले क्या करूँगी, तो बहू भी आ जाए बिटिया के जाते जाते। तो बस यही था हमने कहा आपसे मिल लें, और आप तो रिश्ते उश्ते लगाती रहती हो तो सोचा आपसे ही बात कर ले, जब आप हमारे परिवार में ही कोई है तो। और लड़की तो हमारी आपने देखी है, हमारी लड़की सुंदर गोरी भी है और ग्रेजुएशन भी कर लिया है, कंप्यूटर भी करे है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और एक लड़के को क्या चाहिए है ना। लेकिन तो, जो है तेरी लड़की की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, उसका भी तो कुछ मन होगा। इच्छाएं क्या है मेरी लड़की की? इच्छा तो कुछ भी नहीं है, बस वो चाहती है कि लड़का गोरा हो, उसकी तरह सुंदर और स्मार्ट हो, और अच्छी नौकरी हो, और तो कुछ नहीं चाहिए। मगर हाँ, अपना मकान हो, अपना घर बड़ा हो, अच्छा सा हो, और कुछ ना हो, बस नौकर चाकर होने चाहिए घर में, ताकि मेरी लड़की को कदम ना पैर ना रखना पड़े जमीन पे, और बाकी तो कुछ नहीं। पर हाँ, अगर गाड़ी वाड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, आने जाने में सुविधा रहेगी, मेरी लड़की को कष्ट नहीं होगा। और क्या, और तो कुछ इच्छा नहीं ना, बस ये है कि सास ससुर ना हो, देवर और नंद ना हो, घर में कोई और ना हो, अकेला लड़का ढूंढना, बस और कोई इच्छा तो है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऐसा लड़का बताइएगा कोई, और हाँ साथ में हमारे लड़के के लिए भी बताइएगा, सर्वगुण संपन्न हो, लड़की आते ही मेरा घर संभाल ले, जिम्मेदारी ले ले। माँ बाप तो नहीं होना चाहिए, अकेला लड़का होना चाहिए, कोई रिश्तेदार भाई बंधु नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानती है ना शादी के बाद कितना किट किट होता है, अब फिर लड़की हमारी परेशान रहेगी तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम भी दुखी हो जाएंगे उसके दुख से। तो बस ऐसा बढ़िया हो जो 70-80 हज़ार रुपये कमाता हो महीना, और जो हमारी लड़की खुश रखे और अच्छे से रखे, बस इतना ही चाहते हैं, और कुछ कोई डिमांड नहीं ना हमारी लड़की की, हमारी लड़की बहुत सीधी है। देख अंजलि बेटा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, तेरे हिसाब से मेरी नज़र में एक लड़का है बेटा, 1,00,000 रुपए तनख्वाह है उसकी। अच्छा हाँ, 1,00,000 रुपए तनख्वाह है उसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पर उसकी भी डिमांड है। उसकी क्या डिमांड है? हम उसे सब पूरी कर देंगे। हाँ तो उसकी डिमांड ये है अंजलि बेटा कि जो है लड़की अकेली होनी चाहिए, लड़की के माँ बाप ना हो, है ना। ये कैसे हो सकता है? उस लड़के की ये डिमांड है, कोई भी ना हो उसका, और ये शादी हो सकती। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? हम जो है लड़के को बता देंगे कि उसके माँ बाप मर गए हैं, इससे वो शादी कर लेगा, तेरी लड़की भी खुश रहेगी। अब ये बताओ, अगर लड़की के माँ बाप नहीं रहेंगे तो लड़की अपना सुख दुख किससे बांटेगी, कहाँ जाएगी? भाई बहन नहीं होंगे तो उसके सुख दुख में काम कौन आएगा? हम ही लोग तो आएंगे ना। तो फिर ऐसे ही तो लड़के का हाल है अंजलि, जब लड़की के माँ बाप सुख दुख में काम आएंगे तो लड़के के माँ बाप भी तो सुख दुख में काम आएंगे, परिवार का होना ही बहुत जरूरी होता है। तूने ये कैसे सोच लिया कि लड़का जो है बिना माँ बाप का मिल जाएगा तो तेरी लड़की क्या खुश रहेगी?
अपनी लड़की को अच्छे संस्कार दो, उसको बताओ कि बेटा परिवार में ही जिंदगी है। परिवार है तो आज हम खुश हैं, दुखी हैं तो सब हमारे साथ खड़े हैं। परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है हम लोग परिवार के बिना। आज तेरे लड़के के लिए भी लड़की बताती हूँ, वो भी यही कह दे कि मुझे सास ससुर नहीं चाहिए। तेरे भी तो कुछ अरमान होंगे अपने लड़के के लिए कि मैं भी बहू लेकर आऊं, मैं अपने लड़के की शादी करूं। ऐसे ही उस लड़के के भी अरमान होंगे। सही कह रही हो, मेरी समझ में आ गया। तो अपनी लड़की को कुछ गुण सिखाओ, परिवार में रहना सिखाओ उसको। ठीक है, परिवार हमारा बहुत जरूरी होता है सबके लिए। ठीक है, कुछ बुजुर्गों के पास बैठा करो, कुछ ज्ञान मिलेगा तुमको भी। ठीक बुआ। ठीक है, मैं तेरी लड़की के लिए रिश्ता बताती हूँ, अच्छा संपन्न परिवार वाला। अच्छा बुआ, चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? और इसके ज़रिए हम संदेश देना चाहते थे कि परिवार में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जो है लोग छोटा परिवार ढूंढते हैं, पर ये कहाँ तक सही है? अगर हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है, और जो है हम सबको एक अच्छी राह पर चलने की शिक्षा देते हैं जो परिवार वाले होते हैं, सास होते हैं, ससुर होते हैं। तो आपकी राय में जो है क्या उचित है मुझे बताइएगा। मैं तो एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और संध्या भी संयुक्त परिवार में रहती है। हाँ, मैं भी जो है भैया भाभी के साथ रहती हूँ और हमारे घर के फैमिली सब बहुत अच्छे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसे और भी जो आजकल की लड़कियाँ हैं जिनकी सोच ये है कि अकेला घर मिलेगा मैं खुश रहूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा तो ये खुद का प्रैक्टिकल है कि मैं एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है या छोटा परिवार। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।